मानव तस्करी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। बस्तर के भोले भाले आदिवासियों को अधिक रुपयों की लालच देकर उन्हें दूसरे प्रदेशों में ले जाने का सिलसिला रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो चौंकाने वाला है। रायपुर में पढ़ रही आदिवासी युवतियों को सरकारी नौकरी की लालच देकर उन्हें केरल भेज दिया गया और लगभग 3 महीने से फंसी बालिकाओं को लाने के लिए परिजन पुलिस और श्रम विभाग से गुहार लगा रहे हैं। मामला जगदलपुर के दुर्गुड़ा गांव का है। फिरोज खान और देवेंद्र साहू नाम के युवक गांव के 5 बालिकाओं को अपने साथ ले गया था, जहाँ फैक्ट्री के मालिक ने उन्हें वहाँ बंधक बना लिया है। रायपुर तो कंप्यूटर बोले थे और अभी वहाँ पे कुछ जॉब दिला देंगे बोल के वो केरल ले गया। वहाँ पे कोई तो कपड़ा मिल में काम कर रहे हैं, ढंग से खाना नहीं मिलता है मैंने, और रो रो के हमारा हालत ऐसा हो गया। तो इन लोग का वैसे भी फोन से बात होता है बच्ची लोग से, तो बच्ची लोग को एड्रेस पूछते हैं उनके माता पिता, तो नहीं बता पाते हैं। हमको ऐसे जगह ले गए हैं जहाँ से रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद हमको 1 घंटे में वहाँ पहुँचाया गया और वहाँ से आज दिनांक तक हमको वहाँ से निकलने नहीं दे रहे। उन्हें जो है रायपुर से फिर कुछ समय पश्चात जो है साउथ में जो केरल है उस एरिया में ले जाया गया है। उनके द्वारा कोई स्पष्ट जो है की जानकारी तो अभी नहीं दी गई है। जैसे ही जो है टीम का गठन होता है तत्काल जो है पुलिस पार्टी संबंधित विभागों के साथ जो है टीम जाके रवाना होगी। और इसी पर हमारे साथ हेमसागर जी DSP जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर सुन पा रहे हैं आप? सर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सर मानव तस्करी का जो मामला है, 3 लड़कियों को बालिकाओं को जो यहाँ सर ले जाया गया है और बंधक बनाया गया है, उसमें किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं, किस तरह आगे स्टेप लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी? शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो आपको बता दें बस्तर में मानव तस्करी का मामला जो है बढ़ता ही जा रहा है। बस्तर में भोले वाले आदिवासियों को अधिक रुपयों की लालच देकर उन्हें दूसरे प्रदेशों में ले जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, अभी की क्या स्थिति है, क्या कुछ प्रशासन का कहना है? मामला सामने आया है, मामला उजागर हुआ है, बालिकाओं को लाने की प्रोसेस कैसे की जाएगी और आखिर बंधक बना के वहां पर युवती को क्यों रखा गया है? पहला मामला नहीं है बस्तर का, इससे पहले भी कई बार इस तरीके से मानव तस्कर किया जा चुका है और ये अधिकतर जो है, ये तो पहला मामला जो रायपुर का आया है, लेकिन अधिकतर जो होता है ओडिशा की तरफ जो बसें जाती है उसमें लगातार बस स्टैंड से ऐसे लोगों को उठाया जाता है और ऐसे लोगों को बहलाया जाता है कि हम बेहतर पैसे देकर हम आपसे काम करवाएंगे और सरकारी नौकरी का भी झांसा दिया जाता है। यहाँ पर लगातार ऐसे कई मामले आ चुके हैं और ये जो मामला है रायपुर का, ये बिल्कुल बताया जा रहा है कि बस्तर का अंदरूनी क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ के जो आदिवासी हैं वो काफी भोले भाले हैं, जिनको बहलाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता और यहाँ के जो मानव तस्कर जो यहाँ पर मौजूद है वो लगातार उनको बहला के और दूसरे जगह ले जाते हैं, वहाँ पर बंधक बना के उनसे काम करवाया जाता है। पर आशुतोष, जो मामला क्या वजह है, क्या वजह है जो इस काम को नहीं रोका जा रहा? क्योंकि आप बता रहे हैं लंबे समय से ऐसा काम चल रहा है, युवतियों को लेकर जाया जाता है, लोगों को ले जाया जाता है और वहाँ पर बंधक बनाया जाता है, काम कराया जाता है, आखिर क्या वजह है जो ये चीज नहीं रोक पा रही और लगातार बढ़ रही है? बिल्कुल, श्रम विभाग की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि पहले भी इस तरीके से हो चुका है और जब ग्रामीण निकल के सामने आते हैं तब श्रम विभाग कार्रवाई करता है और वाहवाही लूटने में सफलता हासिल करता है, लेकिन जिस तरीके से अभी श्रम विभाग सामने आकर ये कह रहे हैं कि हम लगातार इस पे कार्रवाई करेंगे और जो वहाँ पर युवतियां वहाँ पर बंधक हुई हैं उनको हम छुड़ाने में कामयाब होंगे, इसके लिए एक टीम भी गठित की गई है जो हेमसागर सिदार जो जगदलपुर के CSP हैं वो इसको लीड कर रहे हैं और लगातार इस प्रयास जारी है कि जो बंधक हैं, जो युवतियां वहाँ पर बंधक हैं उनको छुड़ा के लाया जाए। हालांकि जो मामला सामने आ रहा है वो साफ तौर पे ये प्रयास अभी किए जा रहे हैं। इतने लंबे समय से प्रशासन क्या कर रहा था जो इतने लंबे समय से लोगों को वहाँ पे ले जाया जा रहा है, तब क्यों एक्शन नहीं लिया गया, अब जाके प्रयास करे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लापरवाही तो यहाँ पर देखने को मिल रही है।
हालांकि बस्तर पुलिस है वो लगातार ये मामला जब सामने आता है तभी दावा करती है कि हम बिल्कुल इस पे कार्रवाई करेंगे और हम टीम के माध्यम से टीम गठित करने के बाद हम युवतियों को छुड़ा के लाएंगे। लेकिन इससे पहले लापरवाही बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बस्तर पुलिस और बस्तर से कई ग्रामीण पलायन कर रहे हैं इस तरीके से और काम के खोज में जाते हैं, उनको झांसा देकर ले जाया जाता है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि पुलिस क्यों नहीं इस पे काम करती है, पुलिस क्यों नहीं इसको रोकने में सफलता हासिल करती है। जब ये मामला उजागर होता है, जब ये सामने आता है मामला, उसके बाद भी क्यों कार्रवाई करने की बात करती है, ये बड़ा सवाल है। और हम ये देखना भी चाहेंगे कि क्या बस्तर पुलिस कितने दिन में ये काम करती है, युवती जो वहां पर पीड़ित जो बंधक बने हुए हैं उनको छुड़ा के लाने में कितना सफलता हासिल कर पाती है। जी आशुतोष, आप पहुंचे होंगे वहां पर, कई पुलिस वाले होंगे, प्रशासन के लोग होंगे, आपने उनसे बात करने की कोशिश की होगी, उनका क्या कहना था, कब तक चीजें सुधर पाएंगी और जिस तरह से प्रोसेस जारी है कब तक जो लोग वहां पर बंधक बने हुए हैं उन्हें लाया जाएगा, आखिर कितना समय लगेगा? जी देखिए, लगातार दावा तो प्रशासन हमेशा से करती है, अगर मामला संज्ञान में आता है तभी ये दावा किया जाता है, इससे पहले इसको रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट और श्रम विभाग के माध्यम से, क्योंकि ये पहले से चलता आ रहा है। और जब हमने प्रशासन से बात की तो सिर्फ दावा ही कर रहे हैं और यही सामने आ रहा है कि हम जल्द से जल्द इसको ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे और जो अपराधी है, जो इसको बंधक बनाया है, जो तस्कर है, उसको उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये पहले से चलता आ रहा है और कई तस्कर झांसा देकर ले जाते हैं और वो भाग जाते हैं यहाँ पर पुलिस के हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार इस खबर पे आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे। और छिंदवाड़ा के सौसर में 70 लाख की लागत से बनी सड़क